पर पंजाबी आती है पर थोड़ी आती है, इतना नहीं आती है। वो ये पंजाबी जो है ये बेचारा बाबू गुज्जर, पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको बात ही नहीं कर रहा किसी से, तो आप थोड़ी सी पंजाबी में इससे बात कर लें। हाँ ये बाबू गुज्जर को देव, बाबू गुज्जर की हाल है? ठीक है शेर भाई, की हाल है? ठीक है पाकिस्तान चे भाईचारा आ जावे ते साडे मसले खत्म हो जाए। एक मसला नहीं, जे तो घर जाओ तो ओदा मसला, इत्थे आओ तो ओदा मसला, पता नहीं की मसले हो जाना, समझ नहीं आंदा। नहीं शेर भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें की और मैं तो यही कहता हूं कि जहां तक, अगर जिस तरह आपने कहा कि वहां पे हालात ठीक है, लोग भाईचारगी से रह रहे हैं, अगर अपने अपने इलाकों का हम इसी तरह ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के साथ भाईचारगी से रहेंगे और बाहर के जो लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं उन पर नज़र रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह सबके हालात ठीक हो जाएंगे। सर बिल्कुल, हम लोग का इलाके में बिल्कुल, अगर पठान भी भाई है, बलोचे भी भाई है, सिंधी है भी। अच्छा, आपको पश्तो आती है? पश्तो आती है आपको? इतना फर्क नहीं निकालते हैं जो ये दूसरा कौम है या वो दूसरा कौम है, पंजाबी भी इधर आते हैं, भावलपुर का इधर आए। हाँ जिंदाबाद, सब पाकिस्तानी है। अच्छा पश्तो आती है आपको? पश्तो आती है, पश्तो बोलनी आती है? हाँ पश्तो तो है सर, पश्तो आती है, लेकिन हरनाई वाला पश्तो थोड़ा अलग है। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, सब जुबानों का अपना टेस्ट है, जिस तरह प्लास्टिक के फ्रूट का अलग टेस्ट है और रियल का अलग है, इस तरह सब जुबानों का अपना टेस्ट है। ये गुलबाज खान से बात करें आप? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम शेर वाला। वालेकुम सलाम साल दे। वो ये खबर आप बस चढ़े मशे संगे तासु खाए। ये तकराए खैरियत मजे के। वो ये खबर आप बन मतासु जुर्म में वो डबरा मतासे रुकन का ना चला कर टोली जबी दल्ला जी। ये बस सब पाकिस्तान है ये मुजमुंग शांति। यार पाकिस्तानी बिल्कुल सही पाकिस्तानी हो, लेकिन दगल जाए अकबल इलाके से, दगल जाए मने अदा इलाका मुझे अकबल लगा उसको। हाँ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप एक काम करें, 14 अगस्त कैसे मनाएंगे मुझे तो बताइएगा ना, थोड़ा सा जोशो खरोश से मनाते हैं कि नहीं? 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जश्न आजादी। 14 अगस्त का सर अभी तक बिल्कुल माहौल इधर सही है, सही पर अभी नहीं। मैं ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सब जितने भी हैं ना इंटरनेशनल मीडिया में, हमारे मीडिया पे ये बात चलती है कि बलूचिस्तान में जो है लोग 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाते नहीं है। आज हमें बलूचिस्तान से कॉलें आ रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया को भी और अपने मीडिया को भी ये बताऊँ कि बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कितने पाकिस्तानी हैं और वो इस दफ़ा 14 अगस्त किस तरीके से मनाएंगे, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आज। सर हम लोग का जो है 14 अगस्त में इधर मतलब मनाते, और पठान भाई को तो मालूम है। हाँ हाँ, हम लोग का अतड़ होता है ज्यादातर, इधर अतड़ होता है ढोल के साथ, जो आदमी जो है ना अतड़ करते हैं। बस जिस तरह भी मनाए, अतड़ से मनाए या भंगड़े से मनाए, लेकिन 14 अगस्त को धूमधाम से मनाना चाहिए बस। सर बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे 14 अगस्त को रिंग करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम्हारा नंबर भी बहुत बिजी लगता है सर, अभी हम लोग बहुत कोशिश की है, अभी जाके मिला है तुम्हारा नंबर। तो ये सारे पाकिस्तानियों की मोहब्बत है ना, कि जिधर पाकिस्तानियों को देखते हैं वो तो उधर कॉले आना शुरू हो जाती है। जी सर मेहरबानी तुम्हारा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिदाला पामान, जिदाला पामान। शेर भाई तो मैं कहता हूँ, तो मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, तो शेर भाई जैसे बंदे को हमारी महफिल में होना चाहिए। तो एक आदमी, अच्छा चलिए ठीक है एक मिनट, शेर भाई को तो मैं बुला लूंगा महफिल में, आउट किसको करोगे वो बताओ। साईं मैं कह रहा हूँ, तो एक बंदा हमारे साथ मेहमान तो चल सकता नहीं, है तो जगह नहीं है ना साईं बाबा, मैं दिल में उसको हम जाऊंगा उसके लिए। अरे शेर भाई आप इधर आओ, हम एक दिन छुट्टी कर लूंगा, आप हमारी जगह बैठो। नहीं ये सही बात है शेर भाई, आप आ जाएं, क्योंकि ये तो बलूची अपनी मादरी जबान भूल चुका है, इसको हम छुट्टी दे देंगे, आपको आती है तो आप बैठ जाएंगे, इसकी सजा यही है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो अपनी मादरी जबान भूल जाता है वो सारी चीज़ें भूल सकता है, जो अपनी मादरी जबान से वफा नहीं करता
वो तो दुनिया में किसी से वफा नहीं कर सकता। तो मादरी जबान कभी नहीं भूलनी चाहिए। फिर एक दफ़ा कहूँ कि सारी ज़बानें बंदा सीख सकता है, लेकिन एक दफ़ा अगर मादरी जबान बंदा भूल जाए ना, वो कभी दोबारा नहीं सीख सकता। तो ये तुम्हारी सजा है, उसको आती है। मरकज़ अली खान आप यकीन करो, ये बहाने नहीं बने। नहीं, मैं अभी ये सीखूंगा, मैं अपने बाप को पूछूंगा कि मेरा बाप कौन से मुल्क में। तू यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले तू अपने बाप को ढूंढेगा, पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा। अरे मेरे से मशवरा करे तो मैं इसको बताऊं, तो बाप को छोड़ो, जाके तुम किसी मास्टर से बलोची सीखो बस। ये देखो अब तुम इतना ख्वारी कर रहे हो। अब तुमको बताता है, तुमको बताता है, यार तुम लियारी जाओ, तुमको लियारी में इतना बुरो बुरो सिखाएगा, तुम एकदम सीख जाएगा दो दिन। बात सुनो, लियारी में हमारा दुश्मन जाए, उधर नहीं जाओ, बड़ा ठका ठुकी हो रहा है। नहीं उधर जाओ, ये कोई तरीका बिल्डिंग गिरी है, वो तो छोड़ दो ना, बिल्डिंग तो किसी ने गिराई नहीं है, खुद गिरी है, खुद गिरी है, लेकिन उधर भेज रहा है। मैं एक मशवरा दूं, तुम लियारी जाने से डरते हो ना, एक छोटा सा मशवरा दूंगा, इस पे अमल जरूर। वहां से किसी को बुलाओ? नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करो, पाकिस्तान का झंडा हाथ में लो और जाओ लियारी देखना कि तुम्हें लोग सलूट करते हैं कि नहीं करते, इतनी ताकत है हमारे झंडे में। सही बात। मरकज अली खान बात सुनो, झंडे के लिए तुम्हारा जान भी हाजिर है, हम ये झंडा लेके जाऊंगा, और मेरा तो इरादा है कि झंडा मैं ले जाऊंगा और किसी दुश्मन के मुल्क में लगाऊंगा ताकि वो मुल्क में हमारा हो जाए। वो एक और खबर सुनो, अगर तुम झंडा लेकर नहीं जाता है तो फुटबॉल लेकर जाओ, लियारी में सबसे अच्छे अच्छे फुटबॉलर भी है। अच्छा चले, फुटबॉल को बाद में देखेंगे। चांडियो साहब कॉल ले, फोन को देखो। नहीं कॉल ले लो, देखने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संगे जल्दी साईं बाबा, किधर से फोन किया है? आपका खूबसूरत नाम साईं बताओ। मैं सऊदी अरब से फोन किया। सुभान अल्लाह साईं, अल्लाह आपको सऊदी अरब में शाद व आबाद रखे, तो मेरे को बहुत खुशी है। ये हमारे गुलबाद खान से बात करें साईं आप। और दूसरा वाला आदमी किधर है? कौन सा? और दूसरा वाला आदमी किधर है? सारे 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 बैठे हैं बाबा, सारे इधर बैठे मौजूद है सारे। आप नाम बताओ किसे? वो मैं खबर है बड़ी रोल तास संग इस तरह मशे वायु तास मुंग तास तो मुंग पड़े प्रोग्राम की तदा मजे तदा पर पंजाबी तदा लगा नवर के खुद का खबर है रासरा होगा। हाँ हाँ वक्का वक्का बात करो भाई तुमसे। मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, ये गुलबाज खान भी बात करेगा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ये बताएं अपना प्यारा नाम बताएं, उसके बाद ये बताएं कि हमारा टॉपिक है भाईचारा रोल वाली। हाँ जी, उसमें रोल वाली बताओ करना। जी जी, उसमें कैसे बात करेंगे जी? जी हेलो। ओ भाई अब उस्ताद आवाज राजी मुंगतकन मुंगा उरु। ओ तुंगा है उस्ताद मां खबर आ रही। हाँ जी आओ रुकना ले बता सुबह सवेरे वाले पर रोल वाली पर टॉपिक मानने। रमजान कैसे गुजर? मैं रोजे को खल बराबर ना खूब बस लग लूट शेडिंग में मखल खराब कर ले देनो। आओ हर साल कसम गड़बड़ थी करना उस्ताद ये रोजे में बारिश पे खबरों खबरों की खुनान दाई ये रिश्वा। अच्छा चले, एक आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। सऊदी अरब में लोग भाईचारगी से रहते हैं कि वहाँ भी ये प्रॉब्लम चलती रहती हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरब में लोग रोरवली से रहते हैं कि नहीं रहते? सऊदी अरब से? हाँ सऊदी अरब में लोग भाईचारगी से रहते हैं कि उधर भी ये टिशू टिशू होती रहती है? वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन बहरहाल आपने जो भी कहा अच्छा ही कहा होगा, अगर बुरा भी कहा होगा तो सेम टू यू। अच्छा ये बात सुनो, टाइम खत्म हो गया आपने बोला? नहीं नहीं, टाइम क्या बोला? टाइम टू यू। मैंने कहा सेम टू यू। अगर इसको ऐसे बलोच आदमी है, इसको जरा सुनो, हम सबसे पहले अपनी पाकिस्तानी कौमी जबान में बात करूंगा, वो हमारा मादरी जबान है, किस लिए बोल सकता हूँ? तुम क्यों चलते हमारी पूछे बलोची नहीं आते, हमको ताना मारता है?
ये गिलास तुम्हारे सर पे मारूंगा, सर पर ये कोई तरीका नहीं है। गिलास लाओ तो मुझे मार दी लला सर मार। यार बात सुनो गुलबाज खान, यार तुम तो पहले बलोच सीख कर आओ, खबर है से अपना मादरी जमान नहीं आता, तुम जाली बलोच है। मेरा दोस्त मुझ पे मलंडी करता है, तुम्हारे साथ जाली बलोच करते उसी पे शर्मनु वो शर्मा वाला गुजारा कर भाई गुजारा। बात सुनो गुलबाज खान, इधर देखो ऊपर से ये बोलते हैं गिलास मार के मेरा सर फोड़ेगा, तुम्हारा सर फोड़ेगा, कैसे तुम भाईचारा अली खान। बात सुनो भाईचारा का खबर है कि मैं जा रहा हूं, तुम मेरा। अरे बात सुनो, आज तुम जाना नहीं, मैं तेरे को एक दूसरी अहम बात बताने जा रहा हूं। तो गुलबाज खान जो है ना, इसके मैं चेहरे को देख रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे को अपने स्कूल का टाइम याद आ रहा है, जब मैं गोला गंडा खाता था ना, तो खुदा की कसम मेरे को गोला गंडा याद आ रहा है। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये ऐसा खूबसूरत लग रहा है, मैं एक नहीं लग रहा हूँ, इसकी वजह क्या? आप मेरे को किसी से आप मिल गए हो दुश्मनों से, तो मेरे सर पे आपने पैसे लिए, क्या था करे? मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे, क्या चाह रहे? तुम इन वक्त मुंस करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो और असल चीजें खाओ, समझे? वो हसद मत करो, तुम हमसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। यार तुम मेरे को ऐसे मेरे को तुम सन 1948 में लेके जा रहे, असली चीज? अरे बाबा असली चीज मेरे को मिलेगी तो खाऊंगा ना, नमाज तो चलो मैं पढ़। हुकूमत में तो तुम्हारा लोग बैठा है ना, वो क्यों मिलावट करता है? चीनी में वो मिलावट करता है, चावल में वो मिलावट करता है, पौड़ो आटे की वो मिलावट। बताते हम तुम लोगों के पास नहीं है, तुम फिर कहां से खाता है? वही हम तो खाते हैं, हमारा। अरे तुम हमारे हमारे रहमान मलिक को देखो, उसको इतना टाइम मिल रहा है, तो जहाँ से पैर नीचे रखता नहीं है, वो मिलावट करेगा यार, खुदा को मानो यार। तुम्हारा रहमान मलिक तो पानी भी बाहर का पीता है, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं पीता था। बात सुनो, हमारे लीडर के बारे में सही नहीं बोलो। नहीं नहीं बात दर्द है, पाकिस्तान का पानी पीता है यार, नींद लड़ा करो। वो पाकिस्तान के लिए सोचता है, उसका पानी पीता है। ओए रहमान भाई का मैं बहुत इज्जत करता है, रहमान मलिक साहब कितना वो काम कर रहे हैं, मैं उसका। अरे मैं उसे रहमान की नहीं बात कर रहा हूं, पानी का बात कर रहा हूं, मैं रहमान बुनेरे की बात कर रहा हूं। तुम किधर लेके सियासतदानों को बीच में, रहमान मलिक की नहीं कर रहा हूँ, मैं रहमान बुनेरी जो हमारा अमेरिका में बैठा है ना, मैं उसकी उसके बाद तय में क्या इतना तो वो मिलावट करेगा यार, तुम बात कर रहे। We'll be right back.